देखेंगे बुलेटिन के और सबसे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को लेकर नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा है। डीपीआर बनाने वाली कंपनियों पर गडकरी ने तंज कसते हुए कहा कि ये इतने महान है कि इन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए, घर में बैठकर ही गूगल पर प्लान बना लेते हैं, दो पैसे ज्यादा लो लेकिन काम परफेक्ट करो, ऐसा होता नहीं है, ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट होने से पहले साइट पर जाने की हिदायत भी दी गई, पहले देखना चाहिए कि कहां मंदिर और मस्जिद आ रहे हैं, बाद में हमारे पास आते हैं कि आखिर अब क्या करें। इंडिपेंडेंट इंजीनियर की जगह इनका नाम डिपेंडेंट इंजीनियर रख देना चाहिए, तो कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नितिन गडकरी ने अपने तंज में कहा है। तंज लहजा जो उनका था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोग हैं कि घर बैठकर ही गूगल प्लान तैयार कर लेते हैं। वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण ही देना। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगना। भाई पैसा दो पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। हमारे जो पीडीआरओ होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या, देखते हैं क्या उसको, कहाँ मंदिर आ रही कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते हैं, फिर हमारे पास आते साहब इसको कैसे निकालना। अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे, इसका कारण वो गूगल पे बैठ के तैयार होता। ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहा था कहते, मैंने कहा पहले इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का 75 साल का रिटायर्ड आदमी, कोई डीपीआर बनाने वाली भी कंपनियां उनकी है, बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो। और सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, जो तमाम बातें कही गई हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से, तंज तो था लेकिन समझ में आ रहा है कि उनका यह अनुभव रहा है, इस तरह के अनुभवों से वो गुजरे हैं जो आज इस मंच से सबके सामने रख रहे थे। देखिए आईसीआर कॉन्फ्रेंस थी, ये सेमिनार था और उसमें नितिन गडकरी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, लेकिन नितिन गडकरी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए भी जाना जाता है और जब से वो सड़क परिवहन के मंत्री बने तो आपने देखा कि विकास की रफ्तार किस तरह दिखाई दी है। आज वो बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने काम किया, नए नए प्रोजेक्ट पर काम किया। डीपीआर का जब जिक्र आया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि कई बार मैंने देखा है कि डीपीआर बनाने वालों को पद्मश्री दे देना चाहिए, मैं इनको सबको प्रणाम करता हूं, कई लोग यहां भी बैठे होंगे उनको सुनकर थोड़ा दुख हो रहा होगा, उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन डीपीआर बनाने से पहले जरा सोचा नहीं जाता, रास्ते में मंदिर मस्जिद होते हैं, रोड आधा बन जाता है पर उतनी जगह में काम छोड़ दिया जाता है, फिर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वहां पर मंदिर मस्जिद है क्या करें, अरे साहब तो पहले आपने क्यों नहीं सोचा। तो नितिन गडकरी ने इन्हीं सब चीजों को पकड़ा है और नई नई जो तकनीक है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, जैसे गति शक्ति लेकर आए हैं, तो प्रोजेक्ट लेकर आई है सरकार, केंद्र की सरकार, उनके जरिए अब ये सब देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट पर काम करिए, नए जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करिए, आप नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, और हमने काम किया इसलिए पूरी दुनिया आज भारत की सड़कों को देख रही। तो निश्चित रूप से एक तंज भी था और मेरे को लगता नसीहत भी थी। उसके अलावा उन्होंने इसी आर की बात भी की कि सड़कें बनाते हैं, डामर की सड़कों से मुझे बड़ी दिक्कत है, डामर की सड़क इसीलिए बनती है कि वो 2 साल में गड्ढे उसके टूट जाए और फिर उसको नया भर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई काम करना चाहिए। रोलेक्स को लेकर उन्होंने कहा नया प्रोजेक्ट लाना चाहिए जो 25 साल तक सड़कें चलती रहे, तो वो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन धनलक्ष्मी जब मिल जाती है ठेकेदारों को इंजीनियरों को तो वो चाहते कि सड़क डामर की बनती रहे, पर मैं डामर की सड़क नहीं बनने दूंगा। तो बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने बात कही, पारदर्शिता की बात कही है, अब इसका कितना असर होता, लेकिन वो तो उस तरफ बढ़ चले हैं जया, जिसका असर हमें सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है। धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।